खलासी बिजनेस तुम जमादार हो पाकिस्तान में कचरा उठाने जमादार भन्द कि लास्ट में जैसे है अब लाइफ में बस मकान वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बिपुल रिएक्शन। आज मैलेजी को ब्लग में रिएक्शन करना गई ये भाग अगड़ी मैं धेरे जस्तु आयुष को ब्लग में रिएक्शन करने एटा छमीर एलिजी को ब्लग में यहाँ नेपाल जानी बेला को जो ब्लग थे रिएक्शन हजार हेन सकूँ रखे रिएक्टिंग अन आवर सेकेंड लाइफ टुगेदर भन्नुभएको छ। वहाँ को सेकेंड लाइफ जो थी वहाँ को फर्स्ट सेकेंड टाइम भेट भएको लाइफ में तो रिएक्शन वहाँ रिएक्शन गर्नुभएको छ। त्यसमाथि रिएक्शन म गर्न गएछु रिएक्शन माथि रिएक्शन होने वाला थे मैं अलग क्लिप हेरेको थिएँ मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्यो मैं डाइरेक्ट हजुरहरुको अगाडि रिएक्शन गर्न आएको छु। इसको ओरिजिनल लिंक मैं भिडियो को डिस्क्रिप्सन में हाल दिया अरुण ब्लग और गीत में मैं रिएक्शन करूँ हजर मेरे चैनल में हेन सकूँ। आयुष से दुबई में छी वहाँसंगे बसर अभी वहाँ को लाइफ जो सेकेंड लाइफ थी तेज में रिएक्शन करूक भिडियो हम हेने वाला छो नया होनी सब्सक्राइब कर दिन चैनल लड़ी रगरी करने भिडियो सुरू कर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब, कैसी तबीयत है? सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी सारी वीडियोज ही बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो इस वीडियो में बेसिकली आयुष अपना फ़ोन जो है स्क्रॉल कर रहा था और मैं भी इसके पास ही बैठी थी। फिर एकदम से उसे एक वीडियो मिली, मतलब हमारी बहुत पुरानी वीडियो जो शुरू की थी। एक्चुअली हमारी साथ में सेकेंड वीडियो, पहली वीडियो तो आप लोगों ने सबने देखी हुई, जो न्यू मतलब जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम 2 दिसंबर को साथ लाइव आए थे वो आप लोगों ने सबने देखी हुई है। लेकिन जो हमारी दूसरे दिन की वीडियो थी वो इतनी किसी के भी चैनल में मैंने नहीं देखी किसी ने भी। तो आई वॉज लाइक लेट्स रिएक्ट ऑन दिस लाइव जो हम लोगों ने की थी पुरानी, क्योंकि उस वक्त हम बिल्कुल न्यू थे, एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं थे, बस लाइव आते थे, फिर आते गए और अब यहाँ आए। मेरा बिरालू एलिजे पूरे नेपाली बोल्न थाल्स कि अब है बिल्ली बिल्ली भन्थ्यो अस्तिसम्म अहिले बिरालो रे कि अब आयुष इतना तंग करते ना मेरे जैम को, वो अब भागता है मुझसे क्योंकि जैम को आदत नहीं उसका ऐसे हाथ पकड़ना, मतलब उसको बहुत बुरा लगता है उसको वहीं से करके पकड़े ना उसे बा मिला बीबी। इसको ना इसको अच्छा नहीं लगता कोई इसको ऐसे करके पकड़े, मतलब देखो इसको बस अच्छा नहीं लगता कि इसको कोई पकड़े। मेरा बिरालू, मेरा बीबी, मेरा शहजादा, माशाल्लाह बोले ना लोग नजर लगाते हो। मलाई जेम्सी लास्ट क्यूट लाग्छ कि अनि मैले इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरेको छु जेम्सलाई हैन, अनि मैले मतलब फोटोहरु पनि अनि भिडियोहरु पनि रहेछ अनि मैले हेरेको थिएँ कि मलाई के फनी लागिरहेछ त्यो एलिजेले गीत गाएको बेलामा त्यो इरिटेट भएर भित्र पसेको त्यो वाला भिडियो पनि मैले हेरेको थिएँ कि इन्स्टाग्राममा एकदम धेरै फलोअर्स पनि बढिरहेछ कि। किस किसको याद है जब मैंने वो जब मैं वो फेमस हुई थी माशाल्लाह बोले फिर नजर लगती है पता नहीं कैसे हो गया था फेमस, काफी पुराना डायलॉग था लेकिन हो गया था। चलो ये हमारे चीफ गेस्ट इधर आ चुके हैं, इधर आना जरा अपना प्यार से मुखड़ा दिखाइए, आइए। वाह तालियां, देखो मेरे ब्लॉग में आगे कितना कैसे वो होता है, देखो ये देखो। सो अभी हम स्टार्ट करने लगे, हम लोगों ने लैपटॉप में डाल दिए फाइल, ठीक है। और अब ये आयुष की आप ये खाई हुई गुटलियां देख सकते हैं, ये इतना ज्यादा काम चोर है कि ये रखता नहीं है। दो करते स्टार्टअप, चलो लेट्स स्टार्ट। उधर सामने करते सेटअप में, आप लोग को इधर रखते हैं, चोर बाजार का कैरी मिनाटी। तो हमारा सेटअप हो गया, हमने टुंटू ने भी लगा लिया और हम स्टार्ट कर रहे हैं। गो Hello beautiful lady, Maya, how are you? कस्तो छौ सन्जय छौ? I'm good, how are you? म नि सन्जय, खानपिन भयो, घिच्यो खाना सन्जय? दिसानको अनुहार हेर, मतलब कस्तो हाँस उठिरह होला कि त्यो, अब आफ्नो सेकेन्ड लाइफ हेर्दै हेरेन नि एकअर्काको आँखामा यसरी हेरेर छ। मुझे नेपाली नहीं आती है, उर्दू में बात करो, इंग्लिश में बात करो।
खान पीन हो गया तुम्हारा? क्या हो गया? खाना वाना नहीं? नहीं खाया, आपने बनाया ही नहीं, कैसे पता? ठीक है ठीक है, अभी बना देता हूँ लाइव के बाद। What does Maya means? पता नहीं, बताते नहीं है। His name is Hazel. I told you Maya means tofu. अरे Maya means love, love. अच्छा मैं आपको पता क्या बोलूँगी आज से आपका नाम है Hazel. Love, love. Hazel tofu. Hazel tofu. क्या है Hazel tofu? Hazel tofu. जब मैं पहले लाइफ आती थी ना, तो मैं मतलब लोगों को लेकर उनके साथ मजाक करती थी ना, तो मैंने ऐसी किसी का नाम रख दिया था Hazel tofu, वो गंजा था कोई आदमी। Hazel tofu तो मुझे किस एंगल से Hazel tofu बोल रही थी? ऐसे ही Hazel tofu मेरी मुझे नहीं है तो गंजा हो गया मेरी, मजाक किया था यार मेरे। आप कितने छोटे दिख रहे हो ना इसमें। छोटे कुछ भी नहीं यार, छोटे दिखाऊं ये कितने लग रहे हो? देखो ग्लो अप चेक करो, ग्लो अप चेक करो, हैंडसम लग रहा हूं देखो इधर, ग्लो ई अच्छा अच्छा देखो। इस वक्त कितनी सर्दी थी ना, उस पर ठंड की मौसम की जैकेट वेट पहन के बैठा। और तुमने ये क्या, ये मम्मी की तरह क्या पहने? Hazel tofu। ओह आई थॉट इट्स अ गाइस अ बताओ, इट्स लाइक यू नो माय माय डार्लिंग गाइस अ बताओ गाइस 40 कंप्लीट करो गाइस। अनि कति को माया गर्छौ मलाई? त झूठ बोला मैंने, स्माइल से कोपले हो। ओ ओ बेबी कति को माया गर्छौ मलाई गाइस अ बताओ पन शिट क्या मतलब नेपाली राम्रोसँग बुझ्दैन थियो नि त, अनि कति माया गर्छु मलाई भनेर, अहिले त बुझ्छ नि त। अनि त्यतिखेर के भने वाट भन्नु रहेछ क्या, अनि पुरै डबल ट्याप भनेर पुरा त्यतिखेर त पुरै डबल ट्याप गर्नु सेयर गर्नु भनेर आउँथ्यो नि त, अहिले चाहिँ अलि भाइरल भइसक्यो अब त। उससे लगाती थी ईमानदारी से, मुझे इतनी बड़ी डायमंड मिल गया मुझे देखो, दिहाड़ी दिहाड़ी पति को माया कर सुमा लाए स्टार्ट क्यों नहीं रहे? ऐसे होती है, मुझे नहीं आती समझ, क्या बोल रही हो? देरे गर्सु से देरे गर्सु, अरे क्या देरे गर्सु से बिचारा नेपाली बुझ्दैन थियो नि त्यतिखेर, केही नराम्रो भन्न लगाउने हो कि भनेर डराइरहेछ कि त्यतिखेर। नहीं मैं नहीं बोल रही, इसका मतलब क्या है पहले मुझे बताओ। टू मच देरे गर्सु टू मच नहीं, ही इज सेइंग हाउ मच डू यू लव मी। मैं कोनी मारूंगी तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रिएक्शन देखो तुम, देखो कैसे क्यूट स्माइल कर रही है, पिघल जाऊंगी मेरे पास सारा तो पिघल ही तो गई। कोई नहीं, मुझसे कोई लैंग्वेज बोले इन सबको सब पता है। वो ये देखो ये क्या है, ये कहां थी? ये मेरे चाइना से लेके आया था। आपकी जीएफ है क्या? आपकी जीएफ तब थी? तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। एक नारी ब्रह्मचारी हूँ जो भी होगी होगी। जो भी होगी एलिजा नहीं बच सके, अब तो क्या जो भी हो नहीं। From yesterday. मास्क पहनती है। मैंने उसका चेहरा देख के नहीं, नहीं नहीं सुनो, उसका चेहरा देख के नहीं प्यार किया हूँ ना, उसके दिल देख के प्यार किया। उसका अनुजा नाम तो नहीं उस लड़की का? अनुजा नाम उत्तिकै अवतल में गेस कर किन अनुजा कौन है? कौन है अनुजा? क्यों लेग क्यों पेनिंग हो रही है? दिल में दर्द हो रहा है। यू आर रनिंग फॉर मी? यस मतलब नेपाल से दुबई आ रहे हो? कप लाइंस चेक करो, डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन लंच। अरे अभी तुम छोटे हो, दूध पियो। जहिले अहिले पनि इन्डिपेन्डेन्टमा लग भनेर भनिरहन्थ्यो नि नाच्ने नाच्नेसम्म, अनि त्यतिखेरको टाइममा पनि दुईजनाको सेकेन्ड लाइफमा पनि त्यति कमेडी भइरहेछ कि अरे व्हाट इज मसाला? मसाला इज लाइक यु नो व्हेन यु
see something nice, so you freeze it, like, you know. Oh, in our Nepal, they like that word is very rough, like it's slang. Really? Yes. No, it's not. It's. I am Masa Allah, man. And that, I am. I'm from Nepal. Only, or any word, Bhansan, that name, bro. They want to hear it. Not a, it's not masala, it's masha Allah. Yes, oh, that's the word. It's masha Allah. Allah. Yes, it's masha Allah. Yeah, yeah. Oh, because realization is on top. It's my choice. Yeah, it's my choice. This is from my husband. My hair and my face is just from my husband. Okay, that's same. Okay, I know. मेरो कपाल र अनि मेरो फेस चाहिँ मेरो हस्बेन्डले मात्रै देख्न पाउँछ भने नि त त्यही भएर आएपछि चाहिँ देखिसक्यो क्या हामीले देखेको छैन अहिलेसम्म ए सरी 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 तो ये किचन की तो बनी है ये कहाँ है किचन की बिचरा त्यतिखेर एलिजालाई पटाउनलाई कति पापड बेल्नु परेको थियो आइसले होइन फेरि चाबीको औँठी दिएर फेरि यसरी प्यारको इजहार मदर ही लगते हो मदर भी Nice, nice. मतलब तेरी सामान की बेटी इधर देखो इसकी शक्ल ये क्या ऐसे एक बार मैं बिल्कुल सिल्वर कलर का पहन कर आई थी एंड तुमने लिटरली मेरी बेइज्जती की तरह ये मेरी तारीफ करेगा एंड इसने मुझे छूटे क्या बोला था मदर टेरेसा लग रही हो इसमें देखो एक बार ऐसे तो पहन दे इसमें मतलब दूसरी तरीके से पहनी हो अभी दूसरी तरीके से पहनी हो तब मतलब कौन सी स्टाइल फैशन निकली थी ऐसे पहनने की चुप करो तुम्हें नेपाली समझ में आती है नहीं त्यतिखेर चाहिँ त्यो बुर्खा छुट्टै तरिकाले लगाएको थियो नि त अनि त्यही भएर मदर टेरिसा भन्ने होला कि कहाँ थिए ओइ त ठीक है मिस तुम्हें सिका देता हूं नहीं आपको चोर बोलोगे ए कसम से मैं वो बुरा बात नहीं करता क्योंकि मेरा घर वाले भी दिखते हैं ना लाइव तो इसलिए मैं नेपाली हो की छोरी हो मैं पाकिस्तान की छोरी हूँ समझ में आता है आंखें क्या हो गई थी नींद आ गई है समझ में आता तुम इतना ड्रामे की तरह तुम्हें समझ में आता है ना शुरू शुरू यार शुरू में क्यूट बनना पड़ता है यार समझ में आता है ना सरीफ सरीफ सा बनना पड़ता है शुरू में इतना आहिस्ता इतना धीमे शुरू शुरू में सरीफ बनना पड़ता है क्या मतलब पटौन लाहा तो बखर बखर है ना अंत धीरे सरीफ बनी को लेके धीमे और अभी क्या हो गया तुम्हें समझ में आता है ना तुम्हें भर्खर एक अर्काको होइन एज सोधिरहेको बेला रहेछ कि कस्तो रमाइलो के मम्मी से कहूँगा वो बस एक साल की तो मुझसे ज्यादा उम्र में बड़ी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा सही सही आप क्या काम बोला था ऐसे मैं इधर वो खलासी क्या करते हो तुम जमादार हो पाकिस्तान में कचरा उठाने जमादार भन्दो रहेछ के क्या है ये जमादार नहीं मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर जमादार हो जमाली की जमादार काफी इंटरेस्टिंग है यार तभी लोग हमें ऐसे देखते पूछो अपने लोगों से
अरे बाल दिखाओ हाँ बाल दिखाओ क्यों क्या हो गया मैं चेक कर रही हूँ घोंसले में कोई चिड़िया तो नहीं यस तुम खुद हंस रहे हो घोंसले में चिड़िया हाँ नहीं मैं वो डांस दिखा रही हूँ भैया है बीबी नहीं अच्छा भैया भैया भी थे अच्छा नहीं मेरी बात सुनो ये कल जब आप आओगे ना और अगर आप हारोगे तो आप मुझे सेम डांस दिखाओगे जिससे आप अभी डांस कर करके पूरा फ्लोर हिला रहे थे ना वैसे ही क्यों तुम्हें पसंद आया डू यू लाइक डांसर्स लिटरली पता है वो एनर्जेटिक डांस देखकर मैं भी हिल गई थी आयुष का डांस इतनी मोटी उस लड़की को कोई नहीं देख रहा था लास्ट जीरो मेरे फोटो से ना दुबई में बसने जैसे पूरा भागा था मतलब यही करा लेंगे देखकर क्या कैसा लगा हीरो लगा तुम निब्बी लगी मुझे मैं निब्बी तो फ्लर्टिंग कौन कर रहा था तुम मैं इंडिया के लिए लड़की मुझे तब से दुबई बुला रही थी पता है नो वे नहीं नहीं सच में आ जाओ बकरी ये सच में ऑनेस्ट लाइक इतने टाइम बाद अपने आप को देखकर वो उस लेवल क्या जो जो तब था वो अभी क्या हो गई नो मतलब बड़ी बड़ी थोड़ी फुल गई हुई ये बात अभी मतलब पुराने एक दूसरे को देखकर और अभी एक दूसरे को देखकर तब तो मतलब अजीब सी लगी तब शायद तुम पतली थी ना क्या तब भी तुम मुझे मोटी 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 पर तब से मतलब तब इतनी 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 मोटी नहीं थी होगी तुम तू निकल बिचरा अझै मोटी छ भन्दा त्यतिखेर त मोटी थिएन है अहिले चाहिँ अहिले धेरै मोटी भएको हो भन्दा छ पतला दुबला तीली चमना दास तो बताओ कैसी लगी कैसी लगी नई नई सी मुझे तो ऐसा लगा किसी और को देखा मैंने तो है ना मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैं अपने आप को देखा वही तो किसी और की वीडियो में रिएक्ट कर रही टाइप की इसी तरीके से लग रहा था मुझे फिर इसके बाद कौन सा था इसके बाद मैंने रेड पहना था शायद अनुहारै चेन्ज भइसकेछ के मतलब त्यतिखेर आयुषलाई अलि अर्कै देखिन्थ्यो होइन अनि एलिजालाई पनि अर्कै अर्कै जस्तो देखिन्थ्यो अनि अहिले धेरै चेन्ज भइसक्यो खाने होइन हमें अपनी पुरानी वीडियोस निकालनी चाहिए वो उसमें होती है टिकटॉक में हाँ, मतलब एक वीडियो ऐसी बनाती है ठीक है हाँ, कि मतलब पुरानी पुरानी वीडियोस कॉम्पिलेशन होते ना कॉम्पिलेशन बोलते ना कंपैरिजन वो जो इतनी सारी वीडियोस को मर्ज करके बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं कॉम्पिलेशन पता नहीं क्या बोलते क्या है कॉम्पिलेशन मैशअप नहीं मैशअप भी नहीं मतलब एक वीडियो होगी और उसमें हमारी अलग अलग दिन की अलग अलग क्लिप्स होंगी हाँ तो वही तो मैंने सोचा मतलब तुम एक ऐसे बनाओ अभी तो बस इतना छोटा सा हो गया ना हाँ। तुम मतलब ऐसे बनाओ कि मेन मेन जो क्लिप होती है ना डिफरेंट डिफरेंट डेज की अभी तक की हो या वो हम अपने पास से निकालते हैं वो वॉच हिस्ट्री में से वो लाइफ हिस्ट्री में से जैसे तुम कॉलेज करो और एक दिन मतलब उस वाली बनाओ इससे भी और मजा आएगी इसमें लेट मी नो गाइस इफ यू वांट दिस आप लोग के पास भी वीडियो है तो आप लोग इंस्टाग्राम में हमें डीएम कर सकते हैं हम सेव करके वो भी सेव अच्छी है तो वो भी सेव करके हम रिएक्ट करेंगे सब वो एक कलेक्शन हामीलाई त चाहिएकै छ के यस्तो भन्दा छिटो छिटो बनाउनु होला हामी रिएक्सन गर्न रेडी छु म चाहिँ अब एक कलेक्सन लिस्टमै लेकिन मेक श्योर गाना ना बज रहा हो कॉपीराइट लग जाती उसमें कॉपीराइट लग जाती है गाना ना कुछ नहीं बस प्लेन जैसे हमारे लाइव रॉ वैसे ही रॉ यस मजा जैसे हम है रॉ जैसे हमारे लोग ने मतलब जो हमारे यूट्यूब में रिएक्ट करते हैं लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं हम भी मुझे तो वही तो ऐसा जैसे पता नहीं कौन लोग हैं हम रिएक्ट कर रहे हैं मजा आ गया बट और लंबी होनी चाहिए थी तो मेरा दिल ही नहीं भरा जल्दी खत्म हो गया ना ये दिल ही नहीं भरा कोई नहीं इससे भी अच्छे मतलब वो ही बोला ना मैंने अभी वो लंबा वाले करेंगे हाँ। सबको एक मर्ज करके यही क्लिप हमें पता नहीं कहाँ से मिल गई वही ना पता नहीं कैसे स्क्रॉल कर रहे थे हमने पता नहीं इससे पता नहीं किस टाइम कहाँ से सेव की होगी
तो उसको 30 सी बस स्लिप्स मिल गई। अरे नेपाल में मैंने जब नेपाल था तो मैंने सिर्फ किया था। हाँ मतलब आप शायद वो पहली वीडियो नहीं कर पाए होगे तो आपने दूसरी वीडियो की गाइस हम लोग जाकर देखेंगे, अगर हमें अपनी पुरानी पुरानी वीडियोस मिल गई तो हम वो सेव करेंगे और वी विल ट्राई टू मेक रिएक्शन वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आवर रिएक्शन वीडियो। इससे भी मतलब अच्छी अच्छी साली मतलब वो वाली वीडियो और ज्यादा लेंगे और कलेक्ट करके मजेदार मजेदार। तो सुर शायद एक दो हफ्ते में या एक हफ्ते में, एक हफ्ते के बाद हम डालेंगे अच्छे से कलेक्ट करके सब कुछ। आप लोग भी हमें हेल्प करिएगा इंस्टाग्राम में हमें डीएम करके कि वो क्लिप एक क्लिप भेज के जिसमें हमें कॉपीराइट ना लगे, वो बैकग्राउंड में म्यूजिक व्यूजिक ना आए कुछ भी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर रिएक्शन वीडियो। सी यू ऑल सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइस बाय। लास्ट में जहिले होइन अब लाइभमा बसाइन गरेर आउँछु म खानालाई। मलाई चाहिँ एकदम धेरै राम्रो लाग्यो यो चाहिँ रियाक्सनमा थियो, रियाक्सन भयो मेरो चाहिँ होइन। अनि त्यो टाइममा त हामीले हेरेको थियौँ कति चिज बिर्सिए पनि सकेको थियो नि त, अनि फेरि त्यो चिज फेरि मतलब उनीहरूको सेकेन्ड टाइप टाइमको जुन लाइभ थियो त्यो फेरि ताजा भयो कि, मजा आयो हेर्नलाई। अनि उनीहरूलाई पनि अब आफ्नो होइन आफूले यस्तो यस्तो गरेको थियो यसरी बोलेको थियो हामीले त्यतिखेर सेकेन्ड टाइम हामी सँगै लाइभमा हुँदाखेरि यसरी बोलेको थियौँ भने उनीहरूलाई पनि हाँस उठिरहेको थियो, के के भनिरहेको थियो, फ्लड गरिरहेको थियो आइसले होइन, पट्याउने कोसिस गरिरहेको थियो, सरी भन्नु कोसिस गर्नु पऱ्यो नि त सुरु सुरुमा भनिरहेको थियो नि त। मलाई एकदम धेरै हाँस उठिरहेको थियो कि, मलाई चाहिँ एकदम धेरै राम्रो लाग्यो, इन्जोय गरेँ मैले होइन, अलिकति पुरानो चिज पनि ताजा भयो। अनि हजुरहरूले पनि कमेन्ट गरिदिनु होला होइन, हजुरहरूलाई यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नु मन छ भने म रियाक्सन गर्नेछु खोजी खोजी, यस्तै भिडियोहरू उहाँहरूको पहिला पहिलाको जुन कमेडी क्लिपहरू यस्तै भेटायो भने म रियाक्सन गर्नेछु। कमेन्टमा भनिदिनु होला हजुरहरूलाई मेरो यो रियाक्सन मन परेको छ भने। अनि जुन आयुष जनताहरू हुनुहुन्छ, अहिलेको फ्यानहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाले गएर हेरिदिनु होला, मैले उहाँको गीतहरूमा ब्लगहरूमा रियाक्सन गरेको छु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यस्तै यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु, हजुरहरूले कमेन्ट गरेको अनुसारले म रियाक्सन भिडियो गर्नेछु। र आजको लागि यति नै, बाई बाई।